करंट लगन दे नाल 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल जानकारी अनुसार कहा जा रहा है कि कुछ लोग कावड़ लैके डीजे वाली ट्राली के उत्ते नचते हुए जा रहे सी ते अचानक ही 11,000 वोल्ट दियां तारां दे नाल डीजे वाली ट्राली टच कर जाती है, जिस तो बाद मौके दे उत्ते पटाके पै जांदे ने, अग लग जाती है पूरे डीजे दे विच ते ट्राली दे उत्ते सवार 9 लोग जो ने ओ जिंदा ही झुलस जाते हैं, जिसके कारण 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। हालांकि इस मौके पर पिंड दे लोगों ने इल्जाम लाए ने कि जेकर बिजली विभाग लापरवाही ना दिखाता तो हो सकता है कईयों की जान बच भी सकती सी, क्योंकि पिंड दे लोगों दे वल्लों कहा जा रहा है कि जो ये हादसा वापरिया तो उस समय काफ़ी देर तक ये डीजे वाली ट्राली बिजली दियां तारां दे टच दे विच रही, जिसके कारण चंगियाड़े निकलते रहे। उन्होंने बिजली विभाग के कई अधिकारियों नूं फोन भी लगाया पर उन्होंने वालों कोई भी अमल नहीं किया गया, जिसके कारण हुण 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो कावड़ लैके ये सारे ही जा रहे थे डीजे वाली ट्रॉली दे विच, डीजे चल रहा सी, नचते हुए जा रहे थे, पर अचानक ही उपर हाई टेंशन वोल्टेज की तारा के नाल टच हो जाती है ट्राली, तो इस तो बाद दे विच ट्राली च पटाके पै जाते हैं। तो मौके दियां तस्वीरां भी सामने आईया ने, जिस साफ देखा जा सकता है कि ट्राली दे विच अग लगी हुई है, तो मौके पर ही चीक चिहड़ा पै जाता है। तो वैशाली तो यह मामला सामने आया जिथे कि कावड़ वाली ट्राली जो डीजे दे नाल लदी हुई सी ओह हाई वोल्टेज तारा के चपेट के आ जाती है, जिस तो बाद डीजे दे विच अग लग जाती है, तो ट्राली के उपर सवार 9 लोग जिंदा ही झुलस जाते हैं। घटना हुआ थोड़ा बताइए। हम तो सोए हुए थे, अच्छा, यहाँ से कॉल किया कि आपका बेटा का करंट लग गया, हाँ। तो हम लोग दौड़ के आए, अच्छा। देखे कि वो मरा हुआ। कहाँ पे मतलब कहाँ जा रहा था? जा रहा था हरिनाथ। हम लोग का तो मालूम ही नहीं था कि कहाँ गया नहीं गया, अच्छा। कॉल आने के बाद पता चला कि ऐसा ऐसा घटना हुआ था, नहीं बताया। हम लोग रहते यहाँ, वो नायका घाट रहता था, वहाँ से चले आया वो। अब यहाँ तो क्या देख रहे हैं, घर से जब आए तो क्या देखने के लिए मिला? घर से आए तो देखे कि वो मरा पड़ा हुआ है। और कितने लोग हैं साथ में? सब पूरा परिवार है। कितने लोग? होगा 10-12 परिवार। अच्छा, मरा हुआ कितना लोग हैं? अब मरा हुआ तो सर नहीं बता सकते, हम गिनती थोड़ी किए हैं। तो कैसे घटना घटी है, कैसे शॉर्ट सर्किट हुआ है? अब सर हमारा यहाँ घर थोड़े के हम बता सकते हैं, ट्रॉली में लगा है, ट्रॉली के लगने के कारण हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मिंटू कुमार पासवान। बच्चा क्या नाम है? आशिक कुमार। क्या करता था? पढ़ता है सर। किस क्लास? 9वां में पढ़ता है। कहाँ जा रहा था? हाँ सर, बार बार वही पूछ रहे। डीजे बजाने के लिए जा रहा था कि बोलबम जा रहा था? बोलबम जा रहा था ना, सबके साथ है, दोस्तों के साथ है। ठीक है। यहाँ पे ट्रॉली जा रहा था, यहाँ पे हरिहरनाथ के लिए निकला था यहाँ से ट्रॉली। यहाँ पे 11,000 में शॉर्ट सर्किट हुआ। हम लोग देखे घर से निकले, निकलने के बाद कॉल पे कॉल करते रहे, कोई कर्मचारी कोई भी कॉल रिसीव नहीं किया। आधा घंटा के बाद फिर कोई दूसरा से जाकर बाइक से हम मंगवा कर उसके बाद भिजवाए, तब जाकर लाइन काटा गया। इतना देर के अंदर में अगर 5 मिनट के अंदर, क्या 1 मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर में अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो जहाँ पे लाइन मैन होता है, जहाँ पे मैनेजमेंट होता है, वहाँ पे एक इंडिकेट करता है। क्या वो उस टाइम में क्या कर रहा था वहाँ पे मैनेजमेंट, हमारा यही सवाल है। कितने लोग थे ट्रॉली पे सवार? ट्रॉली पे लगभग तो बहुत लोग थे, लेकिन फिलहाल 8 लोग थे जो सफाई एकदम ऑन स्पॉट, उसको हम लोग बचाने की कोशिश करके भी चाहते हुए भी नहीं बचा पाए। उसके बाद ना कम से कम तो 4-5 आदमी जिसको शॉर्ट सर्किट हल्का हल्का लगा, वो अभी ट्रीटमेंट लोकल में ले रहा है अभी। क्या मांग डिमांड क्या आप लोगों का, क्या डिमांड क्या है? अभी तो क्षति हो गया, गार्जियन सबका सारा चला गया, समझिए तो गाँव का 8 से 9 लड़का चला गया, क्या मांग कर सकते हैं? इसी गांव के लोग हैं, सब इसी गांव के हैं। जा रहा था हरिहरनाथ पे बोलबम के नाम पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुरेंद्र कुमार हुआ। कौन कौन गांव का?